बच्चे ये जो हम लोग देखेंगे इज एम आर वाज़ वेयर विल सेल सूट ये सब का हम देखेंगे कि एक एक कर यूज़ कहाँ करते हैं यहाँ पे आप देखो इज एम आर का यूज़ वाज वर का यूज़ विल सेल का यूज़ है ना तो एक एक सेंटेंस का हैज़ हैव का यूज़ तो एक वर्ड का हम लोग यूज़ करेंगे विथ एग्ज़ाम्पल ताकि आप पहले आप अंतर समझ पाओ तो पहले आप देखिए इज एम आर अब देखो इज का मतलब आप बोल सकते हो हैं हूँ है ना तो इज का मतलब है का प्रयोग करो एम का मतलब हूं का प्रयोग आर का मतलब है या हो तो इज का मतलब देखा है एम का मतलब हूँ आर का मतलब है या हो का प्रयोग करते वाज वर क्या है तो वाज का मतलब था थे थी और वर का हो गया प्लुरल तो वर का मतलब ही थे यहाँ पे हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बिल्कुल बेसिक से आपको मैं चाह रहा हूँ कि एक बेसिक से सिखा दूँ ताकि आप अंग्रेजी आसानी से बोल सको आसानी से लिख सको तो आसानी से अंग्रेज़ी बोलना लिखना आप सीख सको इसके लिए हमने क्या किया है कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया कि आखिर ईज माह और वाजबियर का प्रयोग कहाँ करते हैं आगे देखो विल और सेल तो विल और सेल तब हम बोलते हैं हिंदी में जैसे बेसिक के लिए कि जैसे गागेगी बोलना हो तो विल और सेल का प्रयोग वहाँ पे कर सकते हो इस तरह से आप आगे देख सकते हो कि इज एम आर वाज वर विल सेल हैज़ हैव हैड अब हैज़ क्या है तो हैज़ रखना है ना हैव रखना है ना हैज़ हैव हैड तो रखता है रखता है रखते थे इस तरह का प्रयोग करेंगे हैज़ हैड में इसके साथ साथ आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे आगे जाते शुड का मतलब चाहिए के सेंस में शुड चाहिए कैन सकना कैन का मतलब शकना मे का मतलब ही सकना का ये सेंस निकाल करके आप बेहतर अंग्रेजी बोल सकते हो अब यहां पे हम लोग देखें आर तो एम एम आर क्या कह रहा है भाई तो एम आर का मतलब जैसे अब बोलना हो कि आई एम अ टीचर तो आई एम अ टीचर मैं टीचर हूं है ना आई एम ए टीचर आई एम ए स्टूडेंट आई एम एन इंजीनियर तो इस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हो अब लड़का बोला मैं गरीब हूँ तो आई एम पुअर मैं चालाक हूँ आई एम क्लेवर हम लोग धनी हैं वी आर रिच आप बुद्धिमान हैं यू आर वाइज देख हो आप बुद्धिमान हैं यू आर वाइज आप लोग स्वस्थ हैं यू आर हेल्दी तुम लोग चोर हो यू आर थीफ तुम लोग ईमानदार हो यू आर ऑनेस्ट वह लंबी है शी इज टॉल है ना वह सुंदर है शी इज ब्यूटिफुल राम दुबला है राम इज थीन वे लोग मेहनती हैं. दे आर लेबोरियस इस तरह से सेंटेंस हम लोग बोल सकते हैं आगे देखते हैं हमने कहा मैं एक विद्यार्थी हूँ आई एम स्टूडेंट तुम एक गायक हो यू आर ए सिंगर आप एक डॉक्टर हैं यू आर अ डॉक्टर वह एक गायिका है सी इज़ अ सिंगर सीता एक नर्स है सीता इज अ नर्स इस तरह से आप आराम से किसी भी सेंटेंस को बोल सकते हैं आप किसी भी सेंटेंस में जैसे मान लो बोलना है कि दूध उजला होता है अब होने के अर्थ के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं दूध उजला होता है हमने बोला मिल्क इज वाइट दूध उजला होता है मिल्क इज वाइट दूध मीठा होता है मिल्क इज स्वीट तो ईज का मतलब होता है भी आप निकाल सकते हो इसका मतलब होता है है ना दूध मीठा होता है मिल्क इज स्वीट पानी ठंडा होता है वाटर इज कोल्ड चीनी मीठी लगती है या चीनी मीठी होती है शुगर इज़ स्वीट तो लगती है होती है को भी आप ईज मार से प्रयोग कर सकते हो है ना चीनी मीठी होती है शुगर इज स्वीट चीनी मीठी लगती है शुगर इज स्वीट आदमी मरणशील होता है तो आदमी का मरणशील तो आदमी को बोल दिया मैन इज मॉर्टल तो आदमी मरणशील होता है मैन इज मॉर्टल। शिक्षक दयालु होते हैं टीचर्स आर काइंड टीचर्स आर काइंड देख रहे हो इस तरह से आप याद करो बच्चे नटखट होते हैं चिल्ड्रेन आर नोटी चिल्ड्रेन आर आप बस लगे रहें अंग्रेजी आपका स्ट्रांग हो जाएगा बच्चे नटखट होते हैं चिल्ड्रेन आर नोटी सूर्य गर्म होता है द सन इज हॉट द सन इज हॉट दूध लाभदायक होता है मिल्क इज यूजफुल मिल्क इज यूजफुल आम मीठा होता है द मैंगो इज स्वीट द मैंगो इज स्वीट गरीब ईमानदार होते हैं द पुअर आर ऑनेस्ट द पुअर आर ऑनेस्ट इस तरह से आप इसका प्रयोग देख सकते हो आगे हम लोग देखें वाज व्यर का प्रयोग यहाँ पे वाज वर की बात करें बच्चे तो वाज वर से भी आप जितने चाहो सेंटेंस बना सकते हो वाज वर यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे कि वाज और वर को आप एक्सलरी भर और मेन भर की तरह यूज़ आप कर सकते हो जैसे कुछ लोग बोलते हैं मैं गरीब था तो आई के साथ वाज लगाएंगे आई वाज़ पुअर मैं गरीब था हम लोग तैयार थे वी वर रेडी हम लोग तैयार थे आप थके थे यू वर टायर्ड आप थके थे यू वर टायर्ड तो यू हो गया सब्जेक्ट और वर था थे थी तो यू वर टायर्ड सीता लाचार थी सीता वाज हेल्पलेस वह लंबी थी शिवाज टॉल है ना वे लोग अशिक्षित थे दे वर आर दे वर अनएडुकेटेड लड़के तैयार थे द बॉयज वर रेडी द बॉयज वर रेडी वह एक किरानी थी शिवाजा क्लर्क हम लोग हाकिम थे वी वर ऑफिसर्स हम लोग हम लोग ऑफिसर्स थे है ना वे लोग डॉक्टर थे दे आर डॉक्टर्स रामू और गोपी किसान थे रामू एंड गोपी वर फार्मर्स वह एक डॉक्टर थे ही वॉज अ डॉक्टर है ना इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो आप चाहो तो आप इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव फ्रेम कर सकते हो जैसे बोलते हैं ना क्या मैं गलत था वाज आई रोंग क्या मैं पागल था वाज आई मैड क्या वे दुखी थे वर दे सैड क्या सीता सुंदर थी वाह सीता ब्यूटीफुल इस तरह से अंग्रेजी बोलना लिखना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा है ना आप इसको सेंटेंस को इसे मान लो आपको विलवी और सैल्वी से बोलना है है ना तो विलवी सैलवी का मतलब जहाँ पे गागी का सेंस होगा तो गाह आगे की जहाँ बोलना होगा वहाँ विलवी और सैलवी का प्रयोग कर सकते हो जैसे मैं बोलूँ मैं खुश रहूँगा आई शैल बी हैप्पी मैं खुश रहूँगा आई शैल वी हैप्पी मैं तैयार रहूँगा आई शैल वी रेडी आई शैल वी रेडी मैं तैयार रहूँगा हम लोग भूखे रहेंगे वी शैल वी हंग्री वी शैल वी हंग्री सीता बीमार रहेगी सीता विल वी इल सीता बीमार रहेगी सीता विल वी इल वे लोग ईमानदार रहेंगे दे विल वी ऑनेस्ट वे लोग ईमानदार रहेंगे दे विल बी ऑनेस्ट आप आराम से एक एक सेंटेंस को रिवीजन करें मैं इतना बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप आसानी से चूँकि आज मेरा मन हुआ कि आपको एक बेसिक वीडियो दे दूँ जिससे बच्चा आप बेसिक से प्रैक्टिस करे एक लेटर का प्रैक्टिस करे जिससे वो आसानी से अंग्रेजी बोल सके और लिख सके इस तरह से आप आराम से सेंटेंस बोल सकते हैं लिख सकते हैं है ना आप आराम से किसी भी सेंटेंस को बोल सकते हो अगर आपको यहीं पे हमने कहा कि हैज़ हैव का प्रयोग हमने कहा मेरे पास एक कलम है आई हैव अ पेन तुम्हारे पास एक कलम है यू हैव अ पेन लता के पास एक कलम है लता हैज़ अ पेन तरह से आप आसानी से अंग्रेज़ी बोल सकते हो और आप लिख सकते हो है ना बिल का प्रयोग आप कर सकते हो तो एक तो फ्यूचर टेंस में बिल सेल का हम लोग प्रयोग करते हैं कि है ना राम विल कम हेयर टुमारो राम यहाँ कल आएगा तुम वहां कल जाओगे यू यू विल गो देयर टुमारो सीता कल पढ़ने जाएगी सीता विल गो टू रीड टुमारो इस तरह से आप आसानी से किसी भी अंग्रेजी को आप बोल सकते हो आपका अंग्रेजी काफी स्ट्रांग हो जाएगा बस इस तरह से बोल रहेंगे इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि अगर आप एक बेहतरीन तरीके से अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो तो आप वेबसाइट पर जाएं या आप डीएसएल का ऐप डाउनलोड करें उसमें आपको बेहतर क्लास मिल जाएगा एक व्यवस्थित क्लास आपको मिल जाएगा डीएसएल ऐप के थ्रू आप बेहतर क्लास कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन आप घर बैठ के भी क्लास ले सकते हैं पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो आज का हमने एक बेसिक एक्सपेरिमेंट किया है आप लोगों के लिए इसको आप देखें अगर बेनिफिट मिलता है तो और वीडियो बना दिया जाएगा और आप मुझे इस पर बताएँ